राजकीय कला महाविद्यालय में स्थित बाबू शोभाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबू शोभाराम की पुत्री डॉक्टर कमलेश वर्मा व दामाद डॉक्टर अजय वर्मा, पूर्व प्राचार्य व उनके अनेक परिजनों सहित डॉक्टर जूनू सिंह, डॉक्टर महेश कोटवाल, ओम प्रकाश हरितवाल व महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। बाबू शोभाराम जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं और बाबू शोभाराम जो जिन्हें अलवर का गांधी कहा जाता था, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी और अनेक कष्टों को उन्होंने सहन किया था, जेल भी गए थे और वो राजस्थान में पहले जो राजस्थान का जब वो मिलान हो रहा था, राजस्थान राज्य गठन हो रहा था, मत्स्य संघ के पहले प्रधानमंत्री रहे थे और अलवर के लोकसभा के सांसद भी रहे थे। उन्होंने अलवर के विकास के लिए अनेक कार्य किए, नगर विकास न्यास के भी वो अध्यक्ष रहे थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। तो अलवर के विकास में, डेवलपमेंट में बाबू शोभाराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सरल और सादगीपूर्ण उनका जीवन रहा है। हम इस अवसर पर आज महाविद्यालय में उनकी स्मृति में एक कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके साथ साथ शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की भी आज शहादत दिवस है। तो हम चारों को ही, हमारे जो शहीद हैं उनको याद करते हुए आज महाविद्यालय में ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मत्स्य संघ के प्रथम प्रधानमंत्री, राजस्थान के कृषि सहकारिता एवं वित्त मंत्री, अलवर के पहले और दूसरे सांसद बाबू शोभाराम जी की आज 38वीं पुण्यतिथि बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में मनाई गई। बाबूजी कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और वो आम जो व्यक्ति है उसके भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। उनको साधा जीवन था, उनका उनके घर पर कोई भी व्यक्ति कभी भी उनसे मिलने आ सकता, कोई अपॉइंटमेंट और उसकी आवश्यकता नहीं थी और वो सबका कार्य कर रहे थे। बाबू शोभाराम जी ने, उनको अलवर का गांधी भी कहा जाता था और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य भी माना जाता।